ऐसे ही संकटों की ओर संकेत किया था। भीष्म समय आरंभ हो रहा है। ताक्षरी, शास्त्र कहते हैं जैसे अग्नि की ज्वाला उत्पन्न होने से पूर्व धुआं प्रकट होता है, उसी प्रकार जब महान विपत्ति आने वाली होती है, किसी दुष्ट आत्मा का जन्म होने वाला होता है, तो सारी सृष्टि संकेत करती है। तुम किसकी बात कर रहे हो बेटे? कहते हुए मेरा हृदय भग्न हो रहा है तक्षी। शब्द मेरा साथ नहीं दे रहे। मैं महारानी गांधारी के प्रथम पुत्र की बात कर रहा हूं ताक्षरी। ये बालक कुरु साम्राज्य और समग्र भूमि के लिए महान विपत्ति का कारण बनेगा। क्या तुम ये विश्वास के साथ कह सकते हो? संकेत स्पष्ट है ताक्षरी। मैं अपनी अंतरात्मा से पूछता हूं। मैं कुरु साम्राज्य के सुख और सुरक्षा का विचार करता हूं। मुझे केवल एक मार्ग दिखलाई देता है। मेरा परामर्श है, आज जन्म लेने वाले उस बालक का नाश अनिवार्य है। नाश अनिवार्य है। ओम नमः शिवाय। सत्य क्यों बताएंगे? मौन रहो। हमें नहीं, पूरे समाज को वृषाली। What? अर्धरात्रि को इस समय मंत्र जाप क्यों कर रहे हो अध्यक्ष? बड़े भयानक संकेत हो रहे हैं चारों ओर। स्वामी, ये प्रकृति अपना कार्य कर रही है। ऐसे समय में केवल पापी का हृदय भय से कांपता है। यथार्थ कह रहे हैं स्वामी आप। और मदंजय के सेवक के हाथों पाप ना हुआ हो, वो संभव है क्या? मुझे भय है कि मेरे साथ कुछ अमंगल होने वाला है। कल्याण। ओम नमः शिवाय।
कौन है? कौन है? कौन है? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बचाओ! आर्य, आपका पुत्र आर्य। दासी, आदेश महाराज। इस बालक को ध्यान से देखो, कहीं ये भी मेरी बाती नेत्रहीन तो नहीं। नहीं महाराज, राजकुमार तो आपका मुख देख रहे हैं, वो नेत्रहीन नहीं है। नवजात शिशु को स्नान से पूर्व स्पर्श करना अनुचित है। महाराज, मुझे एक महत्वपूर्ण विषय में आपसे वार्तालाप करना अनिवार्य है। श्री, जब दीवार में पीपल उगता है तो उसे उगते ही उखाड़ दिया जाता है। समय बीतने पर यह पौधा सारी दीवार को उखाड़ देता है। इस समय का संकेत है भ्राताश्री, बालक भयानक युद्ध लेकर आएगा। निर्दोष जीवों का बलिदान लिया जाएगा। पृथ्वी नरसंहार से कांप उठेगी। हस्तिनापुर का विनाश संभव है। एक नवजात बालक के जन्म से भयभीत हो उठे हैं आप? नहीं, उसके भविष्य से भयभीत हैं हम। तो इस समय जन्मे सारे बालकों की हत्या क्यों नहीं करवाते? और भी तो जन्म हुए होंगे, और वन में सियार और उल्लू तो प्रतिदिन ही बोलते हैं, और आकाश में काले बादल प्रत्येक वर्षा ऋतु में घिराते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि प्रत्येक बालक का जन्म के साथ ही वध कर देना उचित होगा।
ये कैसा न्याय है हस्तिनापुर का? भ्राता श्री, भगवान ने आपको 100 पुत्र दान दिए। यदि एक पुत्र की आहुति से समग्र राष्ट्र को लाभ होने की संभावना है तो आहुति देना उचित है। वैसे भी युद्ध में राजकुमार बलिदान देते हैं। बलिदान नहीं देता, वीर गति को प्राप्त करता है। वीर गति को हत्या और वीर गति में अंतर होता है महामंत्री। महामहिम भीष्म का क्या मत है इस विषय में? क्या महारथियों के महारथी की भुजाओं में वो बल है, वो शक्ति है कि एक निशस्त्र बालक के कंठ पर तलवार चला सके? एक बालक की हत्या के विचार से ही मेरा हृदय कांप उठता है। लेकिन मैं इस बात से भली भांति परिचित हूं कि राष्ट्र के भविष्य में राजा को अनेक कठिन निर्णय लेने होते हैं। राजश्री, मैंने अपने इस पुत्र के लिए अनेक वर्षों तक प्रतीक्षा की है, अनेक सपने देखे हैं मैंने। मेरे हृदय का स्वामी हो गया है जन्म से पूर्व ही। जिस कली की सुगंध से मन मुग्ध हुआ हो, उस फूल को डाल से कैसे तोड़ दे ताचरी, कैसे तोड़ दे? पुत्र, ये दुर्भाग्य है कि राजा के मस्तक पर मुकुट होता है और उसके हृदय में पुत्र का स्थान मस्तक और हृदय के बीच समाधान अत्यंत कठिन है। इस समय तो राजनीति मत खेलिए महामहिम, स्पष्ट उत्तर दीजिए स्पष्ट। क्या पांडु के पुत्र को हस्तिनापुर के सिंहासन पर बिठाने की योजना से मेरे भांजे की हत्या का आयोजन है ये? हैं? उत्तर दीजिए महामहिम। धृतराष्ट्र और पांडु में मेरे हृदय में कोई अंतर नहीं। उनके पुत्र भी मेरे लिए समान हैं। इसी कारण मैं कोई स्पष्ट परामर्श नहीं दे रहा हूं गंधार राज। महाराज स्वयं पिता भी हैं और राजा भी, इसलिए साम्राज्य के भविष्य के हित में जो है, जो उचित है, महाराज को वही निर्णय लेना होगा। मैं मंत्रों का उच्चारण कर रहा हूँ, आपके सारे पाप आपके शरीर से बाहर आ जाएंगे। मुख्य द्वार से? एक बार और स्नान करवाते हैं।
ठहरो ठहरो, तुम सब दंड के भागी बनो, प्रत्येक को दंड मिलेगा। मदन जय महोदय को आ रहे थे। पर्याप्त है असुरो, तुम तो पिशाच से भी भयानक हो, क्यों मेरी ऐसी स्थिति कर रहे हो? उत्तर प्राप्त करना है। किस बात का? आपने कुएं में विष क्यों डाला? मैंने कोई विष नहीं मिलाया था। बताइए, अन्यथा हम आपको सियारों के समक्ष फेंक देंगे और फिर वही आपका निर्णय करेंगे। हाँ, मैंने कुएं में विष मिलाया था। ग्राम रक्षक महोदय के आदेश पर यह बात जान लेने से तुम्हारे पिता को कोई न्याय नहीं मिलेगा। क्योंकि मैं राजसभा में यह बात बताऊंगा ही नहीं। अब आपकी बात सुन चुके हैं अध्यक्ष महोदय, अब हम सब राज्यसभा जाकर सत्य बताएंगे। और आपको भी सत्य कहना होगा। अध्यक्ष महोदय, मधुमक्खी जब दंड देती है तो प्राणों की चिंता नहीं करती। ये मधुमक्खी की शक्ति नहीं, उसके संकल्प का गुण है। इसीलिए आकार छोटा देखकर भ्रम में मत रहना। जीने का संकल्प करके जो जन्म लेता है उसे कोई मार नहीं सकता, और जो जीतने का संकल्प कर लेता है उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। प्रणिपात भुगत ग्राम के सूत एकत्र हुए हैं राजभवन के आंगन में, महाराज से मिलने का आग्रह कर रहे हैं।
विचार करके ही निर्णय लो। यदि परामर्श तुम्हें उचित लगे तो विघातक को बुला लो। नहीं ताजश्री, यदि मेरे पुत्र का वध करना ही होगा तो मैं स्वयं करूंगा। ये उसका अधिकार है ताजश्री कि वो अपने अंतिम समय में अपने पिता के हाथों में सोया हो। पुत्र